कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकास खंड में प्रतापपुर से कोयलीबेड़ा मार्ग पर करका घाट और कामतेड़ा में दो बीएसएफ कैंप खोले जाने का अनिश्चितकालीन धरना का आज तीसरा दिन है। ग्रामीण धरना असल में ही रात गुजार रहे हैं। क्षेत्र के 68 ग्राम पंचायत के 103 गांवों के हजारों की संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए हैं। जहां आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जगह बीएसएफ का नवीन कैंप खोला गया वहां पे आदिवासियों का देवस्थल है। धरना असल में प्रदर्शनकारी सहदेव उशेंडी कहते हैं कि हमें कैंप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस जगह कैंप खोला गया वहाँ वाह देवस्थल है, वाह इकट्ठा होते हैं, इससे हमारे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ग्रामीणों की मांग है कि यहां से बीएसएफ कैंप को हटाया जाए। जहां बता दें कि सर्व आदिवासी समाज एवं एसटीएससी ओबीसी समाज के बैनर तले ग्रामीणों ने 17 दिसंबर से विरोध शुरू किया है। विदित हो कि सरकार ने नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ सालों से लंबित पड़े प्रतापपुर कोयलीबेड़ा मार्ग पर सड़क और पुल पुलिया निर्माण कार्य में तेजी लाने, इस मार्ग पर कामतेड़ा और कटगांव करका घाट में 29 नवंबर को बीएसएफ कैंप शुरू किया है। गांव के लोगों का कहना है कि जहां कैंप खोला गया है वह देवस्थल है। देवस्थल में कैंप खोलने को अनुचित बताते 17 दिसंबर से ग्रामीणों ने कैंप के सामने ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कैंप हटाया नहीं जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना स्थल पर ग्रामीण राशन पानी लेकर पूरी तैयारी से पहुंचे हैं। ग्रामीण अपने साथ राशन बर्तन के अलावा कपड़े आदि लेकर पहुंचे हुए हैं, जिससे संभावना है कि धरना लंबा चलेगा। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कैंप क्षेत्र में सुरक्षा और मजबूत करने के लिए खोले गए हैं। कैंप ग्रामीणों के हित में है। कैंप खुलने से क्षेत्र का विकास होगा तथा सालों से लंबी सड़क तथा पुल पुलिया निर्माण कार्य में तेजी आएगी। आप लोग यहाँ क्या के लिए आए हैं? यहाँ जगह जगह में कैंप लानते हैं, कैंप लानते हैं। तेकर बार देवता का स्त्री हावते में वो मल्ला हटाए बार बोला हमला नहीं चाहिए कैंप उम्पला। जैसे हम आश्रम मांग थान, स्कूल मांग थान, हॉस्पिटल मांग थान, वो हमला हो गए। तेकर बार हमारा तुर जनता झुक के ना हम रैली निकाल के कह के आए हैं। लोग यहाँ पर इसलिए धरना प्रदर्शन करने के लिए आए। देखिए हम लोग 18 पंचायत के 68 गांव के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे देवस्थल में कैंप स्थापित किया गया है। हम इस जगह पर पूर्वज से पूजा करते आ रहे हैं, विद्यांग वगैरह का पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ के गायता पटेल और बिना ग्राम सभा अनुमति के बिना यहाँ कैंप लगाया गया है। हम लोग इस कैंप को हटाना चाहते हैं। क्या के लिए आए हैं? हम लोग नहीं, कैंप को विरोध करना है। हमको स्कूल चाहिए, उप शौच केंद्र में सिस्टर चाहिए, वर्कर चाहिए और आंगनबाड़ी भवन भी चाहिए और हमको देवी देवता स्थान में उन लोग कैंप आए के बाहर से आए के बैठा है, उसको वहाँ बैठने के लिए हम लोग नहीं देता है, उसको वहाँ से वापस जाना है। हमारा संपत्ति को वो पूरा बर्बाद कर देता है। हमारा जाड़ में भी देवी देवता है, जो जहाँ है पत्ता उसमें उसमें भी देवी देवता है। हम हमारा कहा भी नदी वहाँ नाला है उसमें भी देवी देवता। इसलिए यहाँ पर रैली करने आए हैं। रैली हम इसलिए कर रहे हैं कि बीएसएफ कैंप यहाँ बसा दिए हैं हमको बिना पूछे, जबकि हमारा शेड्यूल क्षेत्र है पेशा कानून के अंतर्गत। वहाँ हमारे बिना अधिकार के जल जंगल जमीन हमारा है, बिना हमें अनुमति के न गांव के पटेल न गायता न सरपंच के बिना अनुमति के उन लोग वहाँ एक कैंप बिठा दिए हैं। जबकि हम लोग जब वहाँ कहीं का मांग करते हैं तो उसको तो उन लोग मानते नहीं है और देते नहीं है, और जब उनको बिना पूछे बिना अनुमति के वहाँ बीएसएफ कैंप डाल दिए हैं। जबकि वहाँ हमारा आदिवासी पुरखा से हम आदिवासी देवी देवता के जैसे हम जीते चलते आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ इस क्षेत्र के जितना भी हैं वहाँ देवी स्थल है, हम लोग विदा के रूप में जब एक साल में वहाँ देते हैं तो देव का स्थल है वहाँ। जब हमारा देव स्थल में उन लोग करेंगे तो हमारा देव कहाँ रहेगा और हम पुरखा को कैसे मनाते जाएंगे मानेंगे। इसलिए हमको नहीं चाहिए कि वहाँ कैंप, हम कैंप नहीं चाहिए। हमें
हमारे गांव में अस्पताल चाहिए, हमारे क्षेत्र में अस्पताल, उसके बाद अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ये चाहिए। तो नहीं, तीन लोग भी ये सब बिना पूछे वहाँ किए हैं। और इस क्षेत्र में जितना भी है लोहा खदान हुआ कि अब वहाँ अच्छा चाहे वो सब, इसीलिए उन लोग ये करते हैं कि वहाँ लोहारी लोहारी हेतले वो जो पहाड़ी है वहाँ ना लोहा खदान उन लोग निकाल के ले जाने के लिए ये कैंप लगा रहे हैं। या तो फिर इस क्षेत्र के जल जंगल को सफाई करके इन लोग सब लोहा खदान यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। वहाँ हमको कैंप नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए, ये कैंप नहीं चाहिए हमको।